काफ़ी अलग ही फील हो रहा है क्योंकि ऐसा गोल्ड मेडल उसके कभी आया नहीं वैसे, वर्ल्ड कप वगैरह में सिल्वर ही आया था, तो जस्ट पहली बार हुआ है तो बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाथों में राइफल थामे एक के बाद एक सटीक निशाना लगाने वाली राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में छा गई है। अवनी ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम कर नया इतिहास लिखा है। 19 साल की इस शूटर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में अव्वल स्थान हासिल किया और गोल्ड जीतने के लिए 249.6 अंकों का पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। कि हमारी पोती अवनी लेखरा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और ये इसकी मेहनत का मतलब फल इसको मिला है, इसे बहुत ही खुशी है। ये प्रयास करती रहेगी और आगे भी 50 मीटर में भी गोल्ड लाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। पीएम मोदी ने भी अवनी लेखरा से फोन पर बात करके उन्हें गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। अवनी के हौसलों की उड़ान हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दरअसल 2012 में एक हादसे के बाद अवनी अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकी। इस एक्सीडेंट में उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई जिसके चलते वो पैरालाइज्ड हो गईं। लेकिन उसके अभेद निशानों के आगे अब कोई नहीं टिकता। जब वो लक्ष्य साधती हैं तो पदक की झड़ी सी लग जाती है। अवनी लेखरा जगतपुरा शूटिंग रेंज से निकलकर देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है मेरे को, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े। पैरा स्पोर्ट्स में उतरने के लिए अवनी का हौसला उनके पिता ने बढ़ाया था। उन्होंने शूटिंग और आर्चरी दोनों में अपने हाथ आजमाए लेकिन अंत में शूटिंग को अपना करियर बनाया। अवनी के बीजिंग ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अपना आदर्श मानती है। अवनी लेखरा ने साल 2019 में दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम कर पैरालंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो में टॉप पर रहकर अवनी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2015 में राष्ट्रीय पैरालंपिक शूटिंग चैंपियन में ब्रॉन्ज पदक जीता था। अवनी 5 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये पहली बार था जब अवनी पैरालंपिक्स के शूटिंग रेंज में निशाना साधने उतरी थी और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने बता दिया कि वो यहाँ कोई अनुभव बटोरने नहीं बल्कि मेडल पर निशाना लगाने आई थी और उन्होंने वही किया। निशाना भी लगाया तो सीधे गोल्ड मेडल पर, वो भी नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की है।